जौली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की खेप के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के पास से 315 बोर की दो कट्टे और एक 32 बोर की पिस्तौल बरामद की है। इन हथियारों को बदमाश बेचने के लिए आया था। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर भिंड और ग्वालियर में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हथियारों के साथ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए हुए हैं। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से अवैध हथियार कहाँ से लाए गए और किसे बेचने के लिए आया था, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बिजोली पुलिस को जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके क्षेत्र का जो बदमाश है भोलू और भोला गुजर, वो अवैध हथियार लेके निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर जो बिजोली थाना प्रभारी हैं IPS अनु बेनीवाल व उनकी टीम ने जो है घेराबंदी की बिलेरी मोड़ पर। घेराबंदी करने पर एक भोलू गुजर जो है आता हुआ मिला, उसको रोक कर चेकिंग की गई तो उसके कब्जे से, उसके हाथ में एक बैग था। बैग में से जो है चेक करने पर 315 बोर के कट्टे, 15 राउंड जिंदा राउंड, एक पिस्टल और एक जिंदा राउंड, ऐसे 3 हथियार बरामद हुए। 25 आर्म सेट के तहत जब्ती में लिया गया और भोलू गुजर से पूछताछ की जा रही है कि अवैध हथियार कहाँ से लेके आया था और कहाँ लेके जा रहा था। बदमाश है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और मुखबिर की सूचना पर से अभी तो 25 आर्म सेट की कार्रवाई की गई है। अन्य मामलों में भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।